बाकी सब भी प्रतीक्षा कर रहे। क्षण भर में ऐसा लगो कि साक्षात नारायण जी के दर्शन हो गए हो। कितने सुंदर है नंदलाल, सुखी और दीर्घायु। नंदलाल के पैर जो पड़े ब्रज भूमि धन्य हो गई। नारायण सदैव प्रसन्न रखे तुम्हें। हमारे संसार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है नंदलाल। नंदलाल की जय। 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 नंदलाला नंदलाला, तो सुन रहे लल्ला जे सब तुझे नंदलाला कह के पुकार रहे हैं। मेरा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा तेरे साथ, जबकि सबसे अधिक चिंता मुझे ही है तेरी कि जे इतनी लंबी बात कहीं तू थक ना जाए। जितने लोग उत्ता आशीर्वाद यशोदा रानी, जे जसोदा का लल्ला है इतनी आसानी से ना थके वो। यशोदा के लाडले नंदलाला जीते रहो। यशोमती मैया के नंदलाल की जय। 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 सुना तूने लल्ला ये सब क्या कह रहे? यशोमती मैया के नंदलाला, अच्छा लगो तुझे? अच्छा कैसे नहीं लगता मैया, यही कहलाने तो आया हूँ मैं, यशोमती मैया का नंदलाला। अपने पराए का भेद भूलकर अपने दही माखन को सबके साथ बांटना, एक रंग में रंग जाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे जन्म का उत्सव हर वर्ष ऐसे ही मनाना। सुनो जी, मैं लल्ला को लेके भीतर जाऊं, जब बहुत थक गए। पता है लल्ला, संध्या होने को आई तू बहुत थक गया होगो, अब जितना मन करे उतना विश्राम कर। आज तो आनंदी आ गयो। जशोदा जी के लल्ला को देख के लोग कैसे बावले हो गए थे, और वो मूरख जो पाठ में सबसे आगे खड़ा था मुझे रोक रहा था। हाथ तोड़ के लल्ला को देखने मेरे जीते जी तो ना जा पाओगे, फिर कैसे गिरा? जी जी, ऐसे किसी का उपहास ना उड़ाना चाहिए, वो बेचारा तो नीलमणि को सबसे पहले देखना चाहता था। वैसे उस सब इतने अच्छे से हो गयो कि आनंद ही आ गयो। बस किसी की बुरी दृष्टि ना लगे मेरे लल्ला। हाँ भाभी, लल्ला को देखने पूरो गाँव आयो तो। अरे आता कैसे नहीं, यशोदा मैया का लल्ला है ही इतना मनमोहक। सही कहा ना मैंने? सब तुझे कितने ध्यान से देख रहे थे, है ना? कुछ और बात करो ना, मैया को चिंता हो रही है। वैसे चिची, चिंता की बात तो है,
हरिराम कुमार की लाली के साथ क्या हुआ था, याद है ना? क्या हुआ था? लो जशोदा जी भूल गई, जन्म हुआ तो खिले फूल सी थी कन्या, पर फिर घाट पर ऐसे पड़ी कि अब तक ना उठ पाई है। जाने कौन सा रोग लगा है। रोग ना, दृष्टि लगी है, बुरी दृष्टि, जो देखने आए थे उन्हीं में से किसी की। सुलक्षणा चाची, मैया की चिंता बढ़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हो आप। कुम्हार की लाली को देखने कितने जन आए होंगे, 10, 20, 30। मेरे नीलमणि से मिलने पूरा गोकुल आओ था। हे नारायण। नारायण ही जाने किसकी दृष्टि का कैसा असर होगो। वैसे कोई तो पहचान होती होगी ना पूरी दृष्टि की, है चाची? अब चुप भी हो जाओ, देखो कितनी घबरा गई है मेरी मैया। हटो सब, चलो रास्ता छोड़ो, हटो। जीजी, भाभी, जीजी, जीजी, क्या हुआ जीजी? भाभी क्या हुआ? अचानक क्या होगो, जे गौशाला में क्यों जा रही है? पता नहीं। अच्छा, सबला और रामू से मिलवाने लाई हो मैया। सबला, तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी संतान के लिए कितना तरसी हूँ। हाँ, इसे किसी की बुरी दृष्टि तो ना लगी, तुम्हें सहायता करो मेरी। आप हैं? इसमें सबला क्या करेगी मैया, ये तो गाय है। ये कोई खेल है क्या, मुझे इसकी पूंछ पकड़नी है। यशोदा, ये लो, गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, बुरी दृष्टि का समय समाप्त हो जाएगा। सभी पदार्थों में गोमूत्र उत्तम है मैया, गंगा जल के समान पवित्र, यदि कोई बुरी दृष्टि थी भी तो अब अवश्य दूर हो जाएगी। अब तो निश्चिंत हो जाओ मैया। जी जी, लल्ला को देखो कैसे खिलखिला रहे हो, अब चिंता दूर हुई कि ना? पूर्व वाली तो हो गया है, किंतु अब नई चिंता सता रहा है मुझे। यही कि तुम सब इसे फिर से बुरी दृष्टि ना लगा दो। हैं? जी। हाँ, नहीं तो चलो अब मुझे और मेरे लल्ला को अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ। सबला, तुम तो मुझसे पहले मैया बनो थी, तुम्हें तो जैसा अनुभव होगा। बताओ, इसकी सारी दृष्टि उतर गई ना? देखो सबला, जैसे रामू मेरा लल्ला है, वैसे ही नीलमणि तुम्हारा भी लल्ला है, तो इसकी गौ मैया होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अब इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। जीजी, नीलमणि को दृष्टि से बचाने के लिए सबला ने दिया है मोरपंख। हाँ यशोदा, गाय एक माँ की तरह हमारी चिंता करती है, हमारा ध्यान रखती है। आज तो सच में सिद्ध हो गया, गाय सच में माता होती है। चलो अब भीतर चलते हैं, सुबह से दूध भी नहीं पिया इसने। उतर गई बुरी दृष्टि। मैं लल्ला की नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं, तुम्हें भी तो लगी होगी ना बुरी दृष्टि। इससे अधिक तुम्हारा चेहरा चमक रहा था आज,
जैसे पूर्णिमा का चांद हो। कुछ भी बोलते हो, चुप करो। ये देखो, लल्ला की रक्षा के लिए सबला ने दियो है। मैं ना इसका मुकुट बनाऊंगी, मोर पंख मुकुट। चिंता तो मुझे भी थी, सब लोग रह रहकर लल्ला की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि नंदलाला अद्भुत अनोखा है, नटखट है, निराला है। यशोमती का नंदलाला, यही कह रहे होंगे ना? मुझे ध्यान ना है। ध्यान ना है मतलब? हाँ यशोदा रानी, हाँ, सब लोग इस छोटे से राजकुमार को यशोमती मैया का नंदलाला कहकर ही बुला रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि यशोमती और नंद इसके बिना अधूरे थे। इसने हम दोनों का जीवन सार्थक किया, हमें पूरो किया हमारे लल्ला ने। अरे मेरा लल्ला, सही करो ना मैं? बाबा, आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पर मैया की ममता के आगे तो सारा संसार फीका है। जे कह रहो है कि मुझे मैया की गोद में जानो है, मुझे भूख लगी है। हो 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 हो, भूख लगी है? क्या? अब क्या मैया अपने लल्ला को चैन से एकांत में दूध भी ना पिला सकती? इस मुस्कान पर तो संसार न्योछावर है, किंतु इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी शीघ्र सच्ची में तेरा पेट भरा भी है कि ना? जब भी दूध पिलाओ तब सदैव ये याद रखना कि ये डकार अवश्य ले, उल्टी ना हो और लल्ला दूध पचा पाए, इसके लिए पेट की वायु का बाहर निकलना आवश्यक है। लल्ला, अभी तो इतना लाड प्यार कर रही थी मैया, और अब पिटाई कर रही हो। यशोदा, कैसी ध्वनि है ये? बालक है, वो पीड़ा होगी उसे। आपसे अधिक चिंता है मुझे इसकी, आप शांत रहो और मुझे महिलाओं के विषय में आप मत बोलो ना। मैया को क्या हुआ, क्रोधित है क्या? योग माया, इससे पहले मेरी कोमल पीठ पिट पिट कर लाल हो जाए, बताओ ना कौन सी त्रुटि हो गई मुझसे? जन्म के पहले दिन ही इतनी पिटाई हो रही है, तो आगे क्या होगा? अब हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? भैया, धरती पर दूध पीने के बाद बालक को डकार लेनी होती है। यदि तुम मैया के इस प्रेम भरे अत्याचार से बचना चाहते हो ना, तो तुम भी शीघ्र ही ले डालो डकार। घर क्यों ना ले रहो तू? हे मैया, तुम्हारा प्रेम ऐसा है तो क्रोध कैसा होगा?
पूरे दिन विश्राम ना किया तुमने? थक गई होगी, विश्राम कर लो। अच्छी ना लगी? आपकी लोरी से भी अच्छा कोई और गाना हो सकता है क्या मैया? अच्छा लल्ला। मैया लोरी की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं और आप फिर से मुझे पीट रही हो। बहन योग माया सहायता करो ना। भैया यदि आप पिटाई से बचना चाहते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लीजिए। यहाँ पृथ्वी पर ऐसे ही सोया जाता है। यदि मैं सो गया तो इस संसार का संचालन कौन करेगा? कथन तो सत्य है आपका, पर यदि मैं नहीं सोया तो मैया भी पूरी रात नहीं सोएंगी। धरती पर बालक होना तो ईश्वर होने से भी अधिक कठिन है। हाँ ये सत्य है कि आप सो नहीं सकते, किंतु मैया को चिंता मुक्त करने के लिए अपने नेत्र बंद करके सोने का नाटक तो कर सकते हैं ना? ये हुई ना बात। ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देकर बहन होने का कर्तव्य निभाती रहना। धैर्य भैया धैर्य। ये मैया है, जब तक इन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि आप सच में सो गए हैं, ये विश्राम नहीं करेंगी। सबको लगता है मैं त्रिकालदर्शी ईश्वर हूँ, पर धरती पर जीवन कैसा होता है मुझे अनुमान ही नहीं है। अब आप ही विश्राम करो मैया। सच्ची स्त्री मैया बन जाए तो मन की थकान, तन का विश्राम सब भूल जाती। कब तक सोता रहेगा? अभी तो तुझे नहलानो है, दूध पिलानो है, फिर तेरे साथ खेलना भी तो है। पूरी रात ना सोई ना तुम फिर से? धीरे बोलो। बहुत अच्छे से सो गई मैं तो। इतनी शीघ्र इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे लल्ला से पहले उठना था। जे मुझे अपने सामने ना देखता तो रोने लगता ना। पर अब तो मैया सामने है ना। अब तो उठ जा मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, उठ जा लल्ला। इतनी आसानी से नहीं उठूंगा मैया, नखरे करूंगा तभी तो आपका और अधिक दुलार मिलेगा मुझे। मैया का कहा नहीं माने को
भावुक करके अपनी बात मनवा रही हो मैया? ठीक है, आप ही से सीख रहा हूँ मैं भी। उठ गया मेरा लल्ला। कितना अद्भुत है मैया और लल्ला का यह संबंध। यशोदा, नीलमणि के आने से सच्ची शांति प्राप्त हुई हमारे हृदय को। एक पल की भी शांति नहीं मिलनी चाहिए किसी को। बालक, वृद्ध, जवान, जो भी सामने आए मार डालो सबको। जाओ, घेर लो सबको। हे नारायण, ये कैसा अन्याय है? इन दुष्टों को रोकिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए।